Hey guys and welcome back guys और happy Diwali guys और आज की स्टोरी में हम जानने वाले Diamondhead के origin के बारे में guys और हाँ भाई मैं जो है आजकल origin पे वीडियो बना रहा हूँ guys तो वीडियो को अब स्टार्ट करता guys तो जो Diamondhead की species का नाम है वो है Petrosapiens भाई और भाई ये जो है भाई पूरी तरह से एक क्रिस्टल से बना हुआ है भाई या क्या डायमंड या जो भी तुम कहो भाई और इनका होम प्लैनेट है पेट्रोपिया भाई जो कि हमें बेंटन एलियन फोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन देखने को मिला था द सीक्रेट ऑफ क्रोमोस्टोन एपिसोड में गाइस और जो भाई डायमंड है वो हमें सबसे पहले बेंटन क्लासिक में देखने को मिला था भाई बेंटन और भाई जो डायमंड है वो कूल होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है भाई और भाई हमें हर सीरीज में बेंटन डायमंड हेड बनता हुआ दिखा है चाहे वो एलियन फोर्स हो क्लासिक हो अल्टीमेट एलियन हो चाहे वो ओमनीवर्स हो या रिबूट हो कोई भी सीरीज हो बेंटन ने हमेशा एलियन फोर्स हमेशा जो है डायमंड हेड का यूज करा है यहाँ तक कि बेंटन 1000 ने भी और जो डायमंड हेड है वो काफी स्ट्रांग है वो हमें कहीं बार देखने को मिला जैसे ग्वेंटन बनी है मैड बन भी बना है और रेज अगेंस्ट टाइम में बेन बना है और हीरोज यूनाइटेड मूवी में भी बना है भाई और 11 साल का बेन भी बना है मतलब बेन ने डायमंड हेड को काफी बार यूज करा है और डायमंड हेड के पास काफी सारी पावर्स है लेकिन भाई कुछ वीकनेस भी है जैसे अगर भाई सोनिक वाइब्रेशंस हो जैसे एको करता है ना अल्टीमेट एको तो जो डायमंड हेड है वो टूटने लग जाता है भाई और भाई हीट रेस्ट्रेशन से भी उसको काफी प्रॉब्लम होती है ड्रालेबिलिटी की भी एक लिमिट है उसकी भाई उस पर अगर आप कोई कीचड़ फेंक दे तब भाई वो जो है इतनी आसानी से निकाल नहीं पाता और चिपक जाता है उस पर और भाई उसके अगर आप उसको पूरी ताकत से तोड़ दे तो भाई वो दोबारा जुड़ भी नहीं सकता भाई यानी कि वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता लेकिन भाई केविन ने उसे रीजनरेट कर दिया था हालांकि डायमंड की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो भाई वो जो है काफी क्रिस्टल्स बना सकता है भाई और वो जो है अपने हाथों को भाई जो है स्केल जैसी मतलब तलवार में भी बदल सकता है वो भाई जो है शार्ज भी फेंक सकता है क्रिस्टल की वो जो है भाई एनचेंट स्ट्रेंथ भी है उसका संचेंट रेलेबिलिटी है वो काफी तेज भी जंप कर सकता है और वो खुद को रीजनरेट भी कर सकता है पर जैसा कि मैंने बताया ज्यादा तोड़ने से रीजनरेट नहीं कर पाएगा यानी खुद को दोबारा ये ला नहीं पाएगा अपने टुकड़ों में और स्पेस में सर्वाइव भी कर सकता है आर्म को भी अपना बड़ा कर सकता है भाई और एसिड इम्यूनिटी भी है उसके पास भाई और वो किसी को भी क्रिस्टल से बना ढक देगा भाई और उस पे जो है हीट का असर भी नहीं होगा भाई और देखा जाए तो डायमंड हेड भी काफी पावरफुल है उसने विलगैक्स को भी हरा दिया था भाई और विलगैक्स एक इकलौता एलियन है जिसने विलगैक्स को हराया था भाई तो बस गाइस आज की वीडियो इतनी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बीस आउट